गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज की वीडियो में मैं कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ, हाथ में मेरे हैं अंडे। अंडे का फंडा इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आपने नेट पे मतलब इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी जिसके अंदर लोग बोलते हैं कि रास्ते में कहीं आप सुनसान जंगल में फंस जाओ और आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे कोई भी बंदा अगर अंडे फेंक के मार दे तो वाइपर मत चलाना, विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो आज इस मिथ का हम इन अंडों के साथ चीर हरण कर देंगे। तो सबसे पहले देख लो भाई, 5 अंडे लेके आया हूँ मैं। पूरे 35 रुपए खर्च किए इस वीडियो के बनाने के लिए मैंने। इतना भारी बजट के अंदर आपने आज तक कोई वीडियो देखी नहीं होगी। चलो पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना क्योंकि मिथ बस्टर की दूसरी वीडियो है। एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो सबसे पहले भाई मेरी जो IRVM था उस पर थोड़ा सा रिलीजियस चीजें थी तो वो मैंने पहले ही निकाल के रख दी। दोबारा भी जो भाई कैमरा मैन है उनसे वापस लगवाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो हर चीज का हम पूरा ध्यान रखेंगे इस वीडियो के अंदर और अंडे ही अंडे देके मारेंगे इस विंड स्क्रीन पे। इसके अंदर भाई नुकसान भी हो सकता है, मेरी विंड स्क्रीन भी चटक सकती है। ऐसा मुझे लगता तो नहीं है लेकिन हो सकता है। और शुरुआत करें सबसे पहले, रेडियो? वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मार दूं <डर लगा। laughs> चलो भाई पहली वीडियो देखो, अंडे का बुरादा निकाल दिया मैंने, ठीक है। दूसरा अंडा भी गया और आप देख सकते हो विंड स्क्रीन की हालत क्या है। अभी 3 अंडे पूरे बाकी हैं, मतलब 7×21 रुपए का अभी पूरा माल बाकी है। देख रहे हो बजट, देख बेसिकली ये कॉन्सेप्ट उसी साइड का क्यों था, आपकी सेफ्टी के लिए वीडियो बना रहा हूं। ड्राइवर साइड का ही इसलिए मारा जा रहा है, ड्राइवर साइड पे ज्यादा मार रहा हूं ताकि आपको पता चल सके। ये हाईलाइट करियो, हां ये हाईलाइट करियो ताकि आपको पता चल सके लोग यहां पे ज्यादा मारते हैं ताकि विजिबिलिटी आपकी वो हो जाए, मतलब रुक जाए। तो इस वजह से मैंने यहां पे अंडे चटकाए हैं। तीसरा अंडा और चटकाने वाला हूँ, इस बार यहाँ पे मारूंगा, ठीक है। भाई मुझे लग तो रहा है कि कुछ विजिबिलिटी जाने वाली है। अब देख, मैं होली खेल रहा हूँ होली खेल रहा हूँ अंडों के साथ। दशहरा आ गया है तो अब देखते हैं, दोबारा देखूंगी कि 2 अंडे बचे हुए हैं। 2 अंडे और चटकाऊंगा, उसके बाद हमें करनी पड़ेगी इसकी बहुत सारी सफाई, ठीक है। तो एक अंडा और, एक काम करते हैं जो रियल सिनेरियो होता है उसको क्रिएट करते हैं। अभी मैं वाइपर जाके चलाता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्लीनिंग रहती है क्या नहीं, उसके बाद फिर से ये मारूंगा। क्योंकि हड़बड़ाहट में क्या होगा, वो 2 अंडे मारेंगे आप तुरंत वाइपर चलाओगे, ये तो ऐसा तो है नहीं, वो 5 अंडे मारने तक का आप वेट करोगे। तो रुको, पहले हम वाइपर चला के देखते हैं और इन अंडों को साइड में रख देते हैं। लो भाई यहाँ रखिए, मैं वाइपर चला के देखता हूँ, ठीक है। सेम ऐसी कंडीशन में जो भी है रॉ है, अंदर से भी दिखाएंगे और बाहर से भी दिखाएंगे, ठीक है। पहले बाहर से दिखाना, देखो पानी चला के। भाई ये सारी चीजें बकवास निकली, अभी 2 अंडे 3 अंडे मारे और देखो ना विंडस्क्रीन बिल्कुल पहले से ज्यादा क्लियर हो चुकी है, अंदर से विजिबिलिटी नहीं गई है। हाँ रात में इसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। अभी हम दोबारा मारते हैं 2 अंडे बचे हुए, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 अंडे दोबारा से मारेंगे भाई। भैया कुछ फर्क पड़ा है, एक बात बताओ भाई, कुछ फर्क पड़ा है? एक बात नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ये सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें रखी गई है, आपके सामने रखी है। बाहर से भी विंडस्क्रीन क्लियर हो गई है और अंदर से भी। ये लो एक और मारा, एक और नहीं एक और दे दिया, अब फिर जाके पानी चलाते हैं। आ जाओ तुरंत चलाएंगे तुरंत। हाँ इसके अंदर अगर आपने पानी नहीं चलाया तो आपकी विजिबिलिटी जाएगी, लेकिन अगर आपने पानी के साथ वाइपर ले लिया तुरंत तो विजिबिलिटी क्लीन हो जाएगी। तो डायरेक्ट वाइपर नहीं चलाना है, वाइपर के साथ फ्लूइड भी होना चाहिए। ये देखो, इसीलिए मैं अपने वाइपर फ्लूइड को भर के लाया था और उसके अंदर सिर्फ पानी डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। देखो
जहां जहां पे पानी के साथ चलाया बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और अगर बगैर पानी चला था तो ये ऐसे निशान छोड़ रहा। चलो बाहर से देखते हैं इसकी कंडीशन को। देखो भाई बिल्कुल क्लीन, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे धुला हुआ शीशा होता है ना, वैसा हो चुका है। और जहां पे हमने पानी नहीं चलाया था, मतलब उस साइड का जो हमारा नोजल है वो कम पानी देता है, तो यहां पे कुछ ऐसे करके लाइनिंग रहती है। अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो विजिबिलिटी इतनी भी नहीं खराब होती कि आपका एक्सीडेंट हो जाए या आपको कोई लूट ले। हाँ, आपको अगर चलाना है तो भाई वाइपर के साथ पानी जरूर चलाना है, मतलब वाइपर फ्लूइड चला के ही आपको वाइपर का यूज करना है। आपकी स्क्रीन पहले से ज्यादा क्लियर हो जाएगी और चोरों को बोलोगे आप थैंक यू मेरी स्क्रीन को साफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर भाई ये मिथ बिल्कुल गलत निकला। आपके सामने 5 अंडों का कचूमर बनाया है मैंने, और सबको अब पूरी गाड़ी साफ करनी पड़ेगी तो वो भी देखेंगे। लेकिन आपके लिए कंटेंट लेके आया, इतनी सफाई अब करूंगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और भाई शेयर करना उन लोगों के पास जो ये बात बोलते थे कि भाई शीशे पे अगर आपने अंडा मार दिया तो आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो बिल्कुल क्लीन, बस थोड़ी सी अंडे की महक आ रही है सच में आ रही है, बहुत गंदी आ रही है, लेकिन सच में अब मैं इसको क्लीन करूंगा पूरा का पूरा। और गाड़ी मैंने बंद कर दी है, क्लीन करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई अब इसको कर सफाई कर लेते हैं, ये गंदा है बट जो लोग अंडे खाते हैं उनके लिए ये गंदा नहीं है। और ये बेसिकली एगिटेरियन नया एक वर्ड, इतना सोचा था उससे ज्यादा नया एक वर्ड है। क्या भैया नया वर्ड बताओ? जो नॉन वेज वाले हैं उनके लिए भी अंडा कभी भी कहीं पे भी रोड पे अवेलेबल हो सकता है, तो बी वेयर। ऐसा ना बोलिए आप सामने वाले को कि मैं अंडा नहीं खा रहा तो मुझे अंडा मत मारिए। अंडे का फंडा हो सकता है। और इतनी भारी बजट के साथ ये वीडियो बनाई है ना, लेकिन भैया मैंने ना, देखो भाई मैंने ना बहुत इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे देख लिया फलाना भाई मत चलाना, फर्स्ट के सामने है देखो चमक रहा है सीधा। तो बेसिकली कंसेप्ट था वो पानी पहले है इसके बाद वाइपर है। कभी भी आप वाइपर चलाओ ना तो यहाँ पे पीछे नोजल होता है, वाइपर का जो लीवर होता है उसको यूं खींचोगे तो पानी के साथ ही ये चलेगा। जो नए ड्राइवर हैं उनके लिए बता दूं, जो नई गाड़ियां हैं उनके अंदर तो ये चीजें होती हैं, सूखा वाइपर मत चलाना। सूखा वाइपर चला दो तो बेवकूफ हो जाओगे आप। पानी के साथ आपको चलाना है, आपकी गाड़ी और क्लीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो भाई आपके सामने विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो जाएगी। अरे एक नंबर, इसको और अच्छे से देखना है तो देखते हैं, आकाश अभी सामने ही है। चारों तरफ छींटे आ चुकी है। लेकिन एक चीज और है, अगर आपने ये सुखा दिया ना तो ये देखो अब इसको निकालना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कपड़े के साथ भी सूखा हुआ। अगर उसी टाइम पे पानी के साथ वाइपर चला दोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये है कि डरने की जरूरत ही नहीं है। ये जो इसमें जो ये छेदों में ये स्ट्रॉस जाएंगे ये तो ये दिक्कत नहीं करती? ना ना ना, ये तो निकल जाती है नीचे से। अच्छा, नीचे से निकल जाती है। यस, सफाई अभियान चालू है। ये देखो अगर आपने छोड़ दिया ना तो ये चिपक जाएगा आपके। अभी मुझे छत पे भी करना है और कहीं तो लगानी है, एक बार आपको वाइपर और मारना पड़ेगा। नहीं वाइपर कपड़े से, ये तो इधर की हो गई। वैसे मेरा फड्डा है कि गाड़ी में कभी भी हमेशा ना एक पानी की बोतल, पानी और एक न्यूज़पेपर से बहुत अच्छा साफ होता है। कैमरा ऑन है ना? हाँ, तो जो भाई बता रहे हैं ध्यान रखना, भाई जी भी अच्छी खासी कंपनी में है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनी है, उसी के अंदर है, ऑटोमोबाइल की ही कंपनी है। तो सलाह दे रहे हैं ये जरूर मानना भाई, क्योंकि काम का है। बंदा भी आते जा रहा है भाई। देखो ऐसा है ना, या तो भीड़ में रह के भीड़ का हिस्सा बन लो, या थोड़े दिन लोग मजाक उड़ाते हैं उसके बाद सब कहते हैं मुझे काश मैं भी वहाँ पे शर्म छोड़ देता तो काम ही बन जाता। ये कपड़ा फेंक के जाऊँगा मैं। ये थी पूरी वीडियो, अभी भी कपड़ा मारना पड़ रहा है। आप सबके लिए इतनी मेहनत करी है, मिथ को दूर किया है, वीडियो अच्छी लगे आकाश का डबल आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।